दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल टेक एंड ऑनलाइन सॉल्यूशन में एक बार फिर से आपका दोस्तों स्वागत करते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं नवी एप्लीकेशन के बारे में। नवी फिनसर एक प्राइवेट कंपनी है, एक आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी कंपनी है। दोस्तों इस एप्लीकेशन के जरिए से आपको मैक्सिमम लोन 20 लाख रुपए मिलते हैं। मैंने इस एप्लीकेशन के जरिए से आपको 32,000 रुपए तक का लोन लेकर दिखाया था। स्टेप बाय स्टेप किस तरह से आपको अकाउंट साइन अप करना है, किस तरह से लोन के लिए अप्लाई करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता है, किस तरह से आपको अगर लोन मिल जाता है तो किस तरह से आप ईएमआई प्लान चूज करेंगे, प्लान चूज करने के बाद किस तरह से हम किस बैंक के साथ ऑटो सेटअप करेंगे यानी ई मेथड प्रोसेस करेंगे तो जाके आपके बैंक खाते में पैसे ट्रांसफर होंगे। तो इसके ऊपर दोस्तों मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाई है, डिस्क्रिप्शन पार्ट जो भी चेकआउट कर ले। लेकिन यहाँ पर दोस्तों काफी सारे हमारे सब्सक्राइबर भाई लोग हैं जिनके साथ ये प्रॉब्लम यहाँ पर निकल के आती है। जो भी यहाँ पर लोन के लिए अप्लाई करते हैं अप्रूवल तो ले देते हैं, ईएमआई प्लान भी चूज कर लेते हैं। जब यहाँ पर दोस्तों बात निकल के आती है ईएमआई सेटअप की यानी मैंडेट प्रोसेस कराने की, नेक्स्ट प्रोसेस कम्प्लीट कराने की, तो ऐसे कंडीशन में वो फंस जाते हैं। जो की दोस्तों हमारे सब्सक्राइबर है जिन्होंने यहाँ पर डिटेल शेयर किया, आपको इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कितने का उनको लोन की अप्रूवल मिली है, क्या ईएमआई प्लान रहने वाली है, किस तरह से ऑटो सेटअप करना होगा। इस वीडियो में दोस्तों स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाले हैं। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। इनका प्रॉब्लम दोस्तों इस वीडियो में सॉर्ट आउट मैंने कर दिया है। ये वीडियो दोस्तों उन लोगों के लिए बनाया जा रहा है जो भी यहाँ पर नवी एप्लीकेशन की जैसे लोन लेते हैं और ऑटो सेटअप नहीं कर पाते, फेल हो जाता है किसी कारण से, तो उनके लिए दोस्तों ये वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर दोस्तों जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों के मोबाइल फोन के स्क्रीन पे तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को देखिए। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर दोस्तों जरूर करिएगा। दोस्तों ये प्रॉब्लम काफी लोगों को फेस करना पड़ रहा है, जब आप नवी एप्लीकेशन के अंदर कैश लोन के अंदर अप्लाई करते हैं पर्सनल लोन के लिए तो आपको अप्रूवल तो मिल जाती है और आप अपने हिसाब से ईएमआई प्लान भी चूज कर लेते हैं। जब दोस्तों यहाँ पर नेट प्रोसेस कराने की बारी आती है यानी ऑटो सेटअप प्रोसेस कराने की जब बारी आती है तो ऐसे कंडीशन में आप यहां पर नहीं कर पाते हैं और आपका फेल हो जाता है। अब ऐसे कंडीशन में आप यहां पर देख पाएंगे इन्होंने यहां पर जो ऑटो सेटअप कर रहे थे, जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पर क्यों यहां पर बैंक रिजेक्ट कर रही थी, इन्होंने यहां पर देख सकते हैं कि इन्होंने जो डिटेल्स शेयर किया है इसके अकॉर्डिंग मैंडेट प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए मेंटेनेंस जिस भी बैंक अकाउंट से आप यहां पर ऑटो सेटअप कर रहे हैं, जिस भी बैंक अकाउंट से, उस बैंक अकाउंट में मिनिमम बैलेंस आपका होना चाहिए। यहाँ पर इन्होंने यहाँ पर दोस्तों SBI बैंक अकाउंट दिया था जो कि यहाँ पर मिनिमम बैलेंस की रिक्वायरमेंट है, जिस कारण से यहाँ पर दोस्तों रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं करने के कारण से इनके दोस्तों यहाँ पर लो बैलेंस शो कर रहा था और जिस कारण से यहाँ पर ऑटो पे सेटअप जो है फेल हो जा रही थी। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले जिस भी बैंक अकाउंट में आप पैसे ट्रांसफ़र करना चाहते हैं और ऑटो सेटअप करना चाहते हैं उस बैंक अकाउंट में मिनिमम 1,000-2,000 रुपये दोस्तों बैलेंस रखा करिए, तभी ऑटो सेटअप किया करिए। पहले एप्लीकेशन दोस्तों होता क्या था, ऑटो सेटअप करने के लिए या तो इंटरनेट बैंकिंग सेवा लगता था यानी इंटरनेट बैंकिंग के जरिए से आपको कराना पड़ता था या फिर OTP के बेस पर कराना पड़ता था। दोस्तों यहाँ पर आपको मिल जाता है इंटरनेट बैंकिंग सेवा के जरिए से भी ऑटो डेबिट रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और दूसरा डेबिट कार्ड। दोस्तों इनको जो लोन अमाउंट की अप्रूवल मिली है जैसे कि आप देख सकते हैं 45,000 रुपए की लिमिट्स मिली है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो लगाया गया है लगभग 34% यहाँ पर दोस्तों चार्ज किया गया है, टेनोर आप देख सकते हैं 18 महीनों के लिए लोन है, प्रोसेसिंग फी यहाँ पर दोस्तों बिल्कुल जीरो है यानी 45,000 का दोस्तों लोन मिल रहा है। इन्होंने यहाँ पर ऑटो सेटअप कर रहा था और ये इनके जो ऑटो सेटअप है प्रोसेस नहीं हो पा रहा है क्योंकि यहाँ पर SBI बैंक अकाउंट यहाँ पर लिंक कर रहे थे, उसी बैंक के साथ ऑटो सेटअप कर रहे थे और उस बैंक अकाउंट में मिनिमम बैलेंस नहीं होने के कारण से दोस्तों इनका फेल हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर मिनिमम बैलेंस दोस्तों आप ऐड करके ही सेटअप करिए, डेबिट कार्ड की तरफ जाइए, इजी प्रोसेस होते हैं, डेबिट कार्ड के नंबर CCV नंबर के जरिए से आप ऑटो सेटअप यहाँ पर इजीली तरीके से कर पाएंगे और इसके बारे में मैंने स्टेप बाय स्टेप वीडियो भी बनाई थी कि किस तरह से डेबिट कार्ड से ऑटो सेटअप इंस्टेंट कर सकते हैं। इंटरनेट बैंकिंग में होता क्या है कि इंटरनेट बैंकिंग के अंदर यूज़र और ID पासवर्ड बहुत लोगों के पास नहीं होता है या तो पासवर्ड पता होता है तो यूजर नेम नहीं पता हो, जिस कारण से अटेम्प्ट टू अटेम्प्ट होता है और जिस कारण से फेल हो जाता है और काफ़ी लंबे समय के बाद आपको दोबारा नेक्स्ट प्रोसेस करने के लिए अलग से मेथड आपको अपनाना पड़ता है। तो इस दोस्तों यहाँ पर आपका ऑटो सेटअप फेल ना हो इसके कारण आप डेबिट कार्ड ऑप्शन चूज करें, जिस भी बैंक अकाउंट से ऑटो सेटअप करना चाहते हैं उस बैंक अकाउंट से डेबिट कार्ड से ही लिंक करिए और आपका सारा प्रोसेस दोस्तों कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों नवी फिनसर के तरफ से आपको दो ऑप्शन जैसे कि मिल सकता है, जैसे कि आप देख सकते हैं पहला डेबिट कार्ड और दूसरा इंटरनेट बैंकिंग। तो डेबिट कार्ड वाला ऑप्शन काफी ईजी है, आप यही वाले ऑप्शन के ऊपर दोस्तों जाएं। उसके बाद दोस्तों जैसे नेक्स्ट पेज ओपन होता है आपको यहाँ पर दोस्तों कार्ड नंबर डालनी होती है, एक्सपायरी डेट डालना होता है कार्ड का, CCV नंबर, उसके बाद दोस्तों नीचे से कंटिन्यू कर देना है। ध्यान रखिएगा जो भी आप डिटेल भरेंगे कंप्लीट रियल
डिटेल भरेंगे, सही सही कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट वगैरह भरेंगे, उसके बाद नीचे से आपको कंटिन्यू कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपको जो यहाँ पर प्रोसेस देखने को मिल रहा है, जो फेल हो रहे हैं वो आपका क्लियर हो जाएगा, ऑटो सेटअप आप यहाँ पर फाइनली कर पाएंगे। जो मेथड आपको बता रहा हूँ वही आपको यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन फुलफिल करना होगा, क्योंकि पर मंथ ईएमआई जो बन रही है यहाँ पर देख सकते हैं 18 महीनों के लिए लोन तो हो रहा है, 3200 रुपए पर मंथ यहाँ पर इनकी ईएमआई पेमेंट्स होने वाली है। तो दोस्तों ये जो भी डिटेल यहाँ पर शेयर किया गया है, एक सब्सक्राइबर का डिटेल शेयर किया गया है, अगर आप इस एप्लीकेशन के जरिए से घर बैठे इंस्टेंट लोन लेना चाहते हैं भाई, आधार पैन के बेस पे लोन ले सकते हैं। 750 आपकी सिविल स्कोर होनी चाहिए, अगर इससे ऊपर आपका सिविल स्कोर होता है भाई डेफिनेटली आपको यहाँ पर एक अच्छा लोन आपको निकल के आ सकता है। 20 लाख रुपए तक का लोन मैक्सिमम आपको यहाँ पर मिल सकता है आधार पैन के बेस पे। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये जानकारी आपको काफी पसंद आया होगा। एक हमारे सब्सक्राइबर तो जिन्होंने यहाँ पर व्हाट्सएप बिजनेस के जरिए से डिटेल इन्होंने शेयर किया और इनकी सारे मैंने यहाँ पर फाइनली जो भी इनके कंक्लूजन थे यहाँ पर मैंने क्लियर कर दिया, जो भी प्रॉब्लम था सब कुछ यहाँ पर दोस्तों रिजॉल्व मैंने कर दिया है। तो दोस्तों ये था नावी एप्लीकेशन, बहुत ही कमाल का एप्लीकेशन है। घर बैठे इंस्टेंट पर्सनल लोन लेना चाहते हैं, ईएमआई वाली सुविधा चाहते हैं, बड़ा लोन लेना चाहते हैं वो भी सिर्फ आधार पैन के बेस पे, तो आप इस एप्लीकेशन की तरफ जा सकते हैं। लास्ट टाइम मैंने आपको 35,000 का लोन लेकर दिखाया है और जैसे मुझे अप्रूवल मिली, किस तरह से बैंक अकाउंट के साथ ऑटो सेटअप किया जाता है, किस तरह से मैंडेट प्रोसेस किए जाते हैं, मैंने एक ही वीडियो में कंप्लीट प्रोसेस बताया है, वो भी डेबिट कार्ड के साथ। तो डिस्क्रिप्शन पार्ट में दोस्तों वो वीडियो की लिंक मिल जाएगी, सबसे पहले वो वीडियो देख लें, उसके बाद ही लोन के लिए अप्लाई करेगा। बहुत ही बढ़िया एप्लीकेशन है, बहुत ही कमाल का एप्लीकेशन है। तो उम्मीद करती है दोस्तों ये प्रूफ आपको काफी पसंद आया होगा, जानकारी आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर दोस्तों।